वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 42 लेक्चर है। सो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होती है। सो बेसिक व्यू, सिस्टम व्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कुछ इस तरह होता है। इनपुट होते हैं, इनपुट के अंदर ह्यूमन होते हैं यानी जो वर्कर होते हैं वो, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और इन्फॉर्मेशनल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है उन रिसोर्सेज की और फिर आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं। आउटपुट में या तो प्रोडक्ट्स बनती हैं या सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फीडबैक लूप होता है और साथ में एनवायरनमेंट भी होता है। सो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, अब जो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर उनका मिशन होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं उन मिशन को फुलफिल करने के लिए, और वो गोल भी सेट करते हैं, कुछ सर्टेन गोल। अब क्वालिटी जो है वो क्या है, क्रिटिकल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए। वर्चुअली तौर पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस या उनके सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का। सो क्वालिटी के बारे में एक कोटेशन है जो थियोडोर क्रैंट्स ने कही है, इन द सर्च फॉर क्वालिटी, क्वालिटी की सर्च के लिए देर इज नो सच थिंग एज गुड एनफ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम कह सकें कि ये गुड एनफ है। देर इज़ नेवर अ फिनिश लाइन, यानी कोई भी फिनिश लाइन नहीं है। क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव से इम्प्रूव हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट को ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी क्वालिटी जो है वो 100% जो है वो फाइनल हो चुकी है, कंप्लीट, ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन? अब हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में TQM होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट हो सकता है शायद आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या इसका पूरा कोर्स भी आपने पढ़ लिया हो या आप आगे चल के पढ़ेंगे। सो टोटल कमिटमेंट होती है इसमें, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमिट होती है इसमें, किसके लिए, हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की जो नीड्स है उनके करने के लिए पूरा। डूइंग टास्क राइट द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार में ही टास्क को सही किया जाए, बाद में नहीं बल्कि पहले ही। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फोकस करता है दो क्वेश्चन पे, इज इट नेसेसरी, क्या ये नेसेसरी है, अगर है, इफ सो कैन इट बी डन बेटर, बेटर क्या इसको बेहतर किया जा सकता है। सो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वैल्यू दी जाती है लोगों को और एम्पावर किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी जाती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट दी जाती है। जो भी एम्प्लॉय की डाइवर्सिटी, यानी कि मुख्तलिफ तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, मुख्तलिफ उनका बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ है, तो उनको रिस्पेक्ट देना। सो मोबिलाइज करना टैलेंट्स जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड टीम वर्क का, यानी कि जो है वो टीम जो है, टीम बना के जो है काम करना, टीम वाला काम होना। एंड यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू अचीव सक्सेस, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, यानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं तो टेक्नोलॉजी का भी होना बहुत ज़रूरी है। और थ्राइव करना लर्निंग के ऊपर और एनेबल करना मेम्बर्स को कि वो ग्रो करें और डेवलप हो सकें। लर्निंग सारी बातें नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। सो थ्राइव होना तरक्की के, ताकि मनाजिल वो तय कर सकें और उसी से मेंबर्स जो होंगे वो भी ग्रो करेंगे और डेवलप करेंगे। और अचीवमेंट क्वालिटी, क्वालिटी एंड कस्टमर ओरिएंटेड एज वेल एज बीइंग सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो क्वालिटी एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होना, ऐसा कल्चर होना जो सपोर्टिव है, मैनेजमेंट कमिटमेंट होना और लीडरशिप का होना जो है वो ऐसी मैनेजमेंट है जो कमिटेड है और लीडरशिप है वहाँ। प्रोवाइड करना सेंस ऑफ डायरेक्शन, एनालिसिस करना कस्टमर की क्वालिटी नीड के, कस्टमर की जो है वो कितनी जो है वो क्वालिटी चाहता है। बेंचमार्किंग करना, यानी कंपैरिजन जो है वो एक उसको कहा जाता है, यानी दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बेंचमार्किंग में। एंड स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड सेट करना बेंचमार्क के हिसाब से। सो स्ट्रेटजी टू क्लोज क्वालिटी गैप, यानी ऐसी स्ट्रेटजीज जिनके जरिए क्वालिटी का जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जाए और क्वालिटी टीम्स बनाई जाए ताकि वो जो भी क्वालिटी गैप वगैरह है वो क्वालिटी के लिए काम करें। एंड प्रोग्रेस करना मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट को, इनके गैप के बारे में जो गैप है उसके बारे में प्रॉपर मॉनिटरिंग करना। एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, अब जो कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन की है उससे ज़्यादा ही आगे बढ़ जाना। सो कैन वी डू इट, क्या हम कर सकते हैं? सो व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है
प्लानिंग करने का काम को और सेटिंग करने का वर्क, एक्सपेक्टेशन को, सॉरी एक्सपेक्टेशन को सेट करने का, कंटिन्यूअली मॉनिटरिंग करना परफॉर्मेंस, डेवलप करना कैपेसिटी टू परफॉर्म, पीरियडिकली रेटिंग करना परफॉर्मेंस इन अ समरी फैशन, यानी कि उसको क्वांटिफाई करना एक्चुअली, और रिवार्ड करना गुड परफॉर्मेंस को, अच्छी परफॉर्मेंस हो तो रिवार्ड, अदरवाइज पनिशमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमारे पास प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, गोल्स सेट किए जाते हैं और मेजर किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, एंड दी मॉनिटरिंग आती है जिसमें मेजर की जाती है परफॉर्मेंस, प्रोवाइड किया जाता है फीडबैक, कंटिन्यूस प्रोग्रेस रिव्यू होता है, और डेवलपिंग में क्या होता है, एड्रेस किया जाता है एक तरफ पूरा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव की जाती है जो गुड परफॉर्मेंस होती है उसको भी, और रेटिंग में क्वान्टिफाई किया जाता है, समराइज परफॉर्मेंस, समराइज करना और असाइन करना रेटिंग जो रिकॉर्ड की, और फिर रिवार्डिंग आती है यानी रिकॉग्नाइज करना और रिवार्ड करना जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, यानी सजा जजा वाला मामला जो है। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में वही चीज़ आ गई, प्लानिंग मॉनिटरिंग डेवलपिंग रेटिंग एंड दी रिवार्डिंग। सो प्लानिंग देखते हैं, प्लानिंग को दोबारा से, प्लानिंग में क्या होता है कि गोल्स जो है वो सेट होते हैं और प्लानिंग जो है वो मिशन के ऊपर बेस्ड होती है, और उसके अलावा गोल सेट होने के बाद कम्युनिकेट किया जाता है और स्टैंडर्ड बनाया जाता है जो गोल स्टैब्लिश्ड हैं। मॉनिटरिंग के अंदर क्या होता है, मेजर की जाती है परफॉर्मेंस, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, और रिव्यू जो है उसको सॉरी प्रोड कंडक्ट जो है वो प्रोग्रेस रिव्यू किया जाता है, यानी कि कितनी जो है वो सक्सेस हुई है, और फिर जो है डेवलपिंग। अब डेवलपिंग में क्या होता है कि पुअर परफॉर्मेंस को एड्रेस किया जाता है और जो इम्प्रूव गुड परफॉर्मेंस होती है उनको इम्प्रूव किया जाता है, और रेटिंग के अंदर जो है वो समराइज की जाती है परफॉर्मेंस और असाइन किया जाता है रेटिंग ऑफ रिकॉर्ड को यानी क्वांटिफाई, और रिवार्डिंग में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिवार्ड किया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस को। सो हाउ कैन वी डू इट, सो बिहेवियर में जो है एक तरफ तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि रिवार्ड दिया जाएगा जब ऐसा बिहेवियर जिसको करने पर रिवार्ड मिले तो वो बिहेवियर रिपीट होगा, बार बार होगा, लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर जिसको करने पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसे नताई जाएंगे जो ख़तरनाक हैं, यानी रिवार्ड नहीं है या फिर सज़ा मिल रही है, तो फिर ऐसा बिहेवियर दोबारा रिपीट नहीं होता। नाउ दी फाउंडेशंस, अब जो फाउंडेशंस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, ये जो है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो है ओपन होना, ऑनेस्ट होना, इंटीग्रिटी होना, इत्तेहाद होना यानी, एंड दी अकाउंटेबिलिटी होना, रिस्पॉन्सिबल। सो एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल जो है वो एक्चुअली है क्या है कि कौन सा रिजल्ट हम चाहते हैं, व्हाट रिजल्ट वी वांट, एंड रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड होना। तो ये था आज का लेसन, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।